इस वक्त हम शहीद विशाखा मेमोरियल खेल मैदान पर है, जहां जश्न का माहौल है और अभी आने वाले दो जाजोद के खेल मैदान से बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद और हमारा नेता कैसा हो, गोविंद डोटासरा जैसा हो, ये नारे लग रहे हैं शहीद मुश्ताका मेमोरियल खेल मैदान जाजोद में। और हमारे साथ इन्हें उत्साह के पलों को, खुशी के पलों को सेलिब्रेट करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि महावीर रणवा जुड़ चुके हैं। महावीर जी, किस तरह का सेलिब्रेशन, क्या सौगात दी है गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने जो नारे अभी लग रहे थे? मुबारक भाई, बहुत ही ज़्यादा सौगात जाजोद को दी है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। और जो हाल ही में पिछले टूर्नामेंट में ही मैंने आपको बोला था, आप बार बार कह रहे थे जी कुछ सरकार से ले गया हो, कुछ सरकार से ले गया हो, मैंने बोला 50 लाख का पूरा प्रपोजल तैयार किया हुआ और मंत्री जी का बोला और मंत्री जी खुद यहाँ आके बोल के गए थे। और इससे बड़ी खुशी हमारे को क्या होगी, जो 50 लाख रुपए की राशि हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। और उससे पहले भी जो ये टीम सेट आप देख रहे हो, ये मंत्री जी की देन है, जो आज हरियाणी है ये उन्हीं की देन है। यहाँ टूबेल और जो भी जब भी किसी भी काम के लिए हमने ग्रामवासियों से आपने सबसे बोला है, उस काम के लिए जाजोद वासियों से वो कभी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मना नहीं किया है। तो हम यही आशा और विश्वास आगे भी रखते हैं। और जो कि आपको ये देख रहे हो स्टेडियम के सामने से, ये जो कमाट है 1,20,00,000 रुपए की सड़क और नाला आपके सामने है, 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग चल रही है, लेडी में 20-30 लाख रुपए का निर्माण हो रहा है, मलसवास में 15 लाख का हो रहा है, लड़कियों के स्कूल में 6 चमड़े, जो विकास तो आप लोग क्या बताऊँ, बिना देखते शाम हो जाएगी। इतने काम जाजोद को दिए हैं और हम आशा करते हैं कि इस काम के बदले नेता को क्या चाहिए, कोई चाहिए जो अभी 12 महीने बाद में आनी है, कि यहाँ से जैसे ये हमें खुश करे, उस हिसाब से हमें खुश करके उनको भी भेजे तो बहुत बड़ी बात होगी अपनी और उनकी शक्ति। जय बात जय। और क्या काम हुए हैं गांव में, जैसे बड़ा काम किसको मानते हैं, क्या काम हुए हैं? और बड़ा काम स्कूल का बड़ा काम हुआ है अपना, जो कि 5 करोड़ की लागत से अभी स्कूल बन रही है आपके सामने है। और CAC है जो अपनी को आदर्श CAC का दर्जा मिला हुआ है, उसका भी अभी मशीनरी और सब आने वाली है। अब कुछ दिनों में इस बजट में शायद वो मशीनरी बह जाएंगी। और जो डॉक्टर अपने 8 डॉक्टर अभी 5 डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, अपने 16-17 डॉक्टर का स्टाफ हो जाएगा, डॉक्टर का 50 का, अभी 28 का स्टाफ है, वो 70 का स्टाफ पूरा हो जाएगा जाजोद। आपने कहा कि नेता को क्या चाहिए बदले में, तो क्या उम्मीद है ग्राम पंचायत जाजोद उस एरिया से? जाजोद से उम्मीद यही है कि अपन 100% रिजल्ट उनको दें, जैसे वो अपने को किसी भी चीज़ के मलान नहीं करते हैं, तो अपने भी उनको वोटों से पेटी भर के दें, और यही उम्मीद होनी चाहिए नेता को, और नेता यही चाहता है, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बना रहे उनका और अपना।